नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम टेक्स के डेली अफेयर्स चैनल में। और यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने को सभी को ऐसे ही संभावनाएं लग रही थी, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस चल रहे थे, इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, आपको बताया था कि इस तरीके की फेक मैसेजेस पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि अभी क्या है कि जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं, कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो कोविड की जो टास्क फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने क्या एडवाइस दी है और इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। तो अब हम आज जानते हैं कि जो है इनकी एडवाइसेस क्या क्या हैं। तो जैसे कि कोविड की जो गाइडलाइन जो टास्क फोर्स है उसने जो एडवाइस दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो है कोविड पे लॉकडाउन का फैसला इस बात पर होना चाहिए कि उस क्षेत्र में पर्टिकुलर कितना संक्रमण है, इस पर ध्यान देना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो है उसकी रफ्तार कितनी है, और इसके आधार पे इसको जो है तीन जोनों में बांट देना चाहिए, तीन कैटेगरीज में। पहली है लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हॉट स्पॉट। अब हम जान लेते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि लो रिस्क एरिया है, तो लो रिस्क जो एरिया है, ये एरिया कौन से होते हैं? तो इन इलाकों में ऐसे इस तरह की कैटेगरी बनाई गई है जहां पर हर 1,00,000 आबादी पे रोज जो है नए जो पेशेंट होते हैं, जो नए मामले आते हैं, उनकी संख्या 2 से 10 के बीच में हो और जो संक्रमण दर हो वो 2% से कम हो। अब आप कहेंगे संक्रमण दर 2%, जी हाँ, मतलब कहने का कि मान लीजिए कहीं पर अगर 100 लोगों की टेस्टिंग की जाती है तो वहां पर अधिकतम जो है 2 लोग जो है निकलने चाहिए पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव होने चाहिए, 98 निगेटिव होने चाहिए। तो जो ऐसे इलाके हैं, ऐसे इलाकों को रखा जाएगा लो रिस्क जोन में। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, दुकानें, रेस्टोरेंट, ऑफिस, धार्मिक स्थल वगैरह जो है खुलने की इजाज़त दी जा सकती है इन लोगों को। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो है जो मिडिल जो रिस्क जोन है इसमें क्या है, इसमें जो है इन्होंने बोला है कि ऐसे इलाके जहां पर हर 1,00,000 आबादी पे रोज जो है आने वाले मामलों की संख्या 2 से 10 के बीच में हो, ऐसे जो जोन होंगे ऐसे जोनों को जो है मीडियम रिस्क जोन में रखा जाएगा, और यहां जो संक्रमण की दर हो वो 2 से 5% के बीच में ही होनी चाहिए। जैसे मतलब 100 लोगों की टेस्टिंग में 2 से 5 लोग ही पॉजिटिव निकलने चाहिए, बाकी सारे निगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो है पाबंदियों के साथ में हम यहाँ पे मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, मतलब जो है मार्केट ओपन कर सकते हैं, चीजों को नॉर्मल तरीके से हम रन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हॉटस्पॉट के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में जो ये कमेटी है वो ये कहती है कि हर 1,00,000 आबादी पर जो है जो नए आने वाले जो मामले हैं उनकी संख्या 10 से ज्यादा हो, और यहाँ पे जो संक्रमण दर हो ये 5% से ज्यादा हो। मतलब ये कि 100 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, 5 से ज्यादा लोग वहां पे पॉजिटिव निकल रहे हो, और ये जो रेट है ये 10% तक भी जा सकता है, तो 5 से 10 के बीच में हो। तो ऐसी जगहों पर हमें जो है स्कूल कॉलेजेस तो बंद ही कर देने हैं, साथ ही साथ दुकानें, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, फैक्ट्रियां भी 6 से 10 हफ्ते के लिए बंद करनी है। और यहाँ पर जो लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन होगा बेहद सख्ती के साथ फॉलो कराना पड़ेगा। ऐसा जो है इस तरीके की जो एडवाइसेस हैं ये जो है कि जो सेंट्रल की जो है कोरोना टास्क फोर्स है उसने दी है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी एडवाइस दी है कि किसी भी तरीके से किसी भी राज्य या शहर में डोमेस्टिक ट्रेवल पे कोई भी पाबंदी ना लगे। इससे क्या होगा, इससे जो है पैनिक नहीं क्रिएट होगा घर जाने के लिए लोगों के बीच में, और दूसरा जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं रेलवे के थ्रू और रोड के थ्रू जो है जो अगर ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा तो वो सुरक्षित तरीके से घर पहुंचेंगे। हमें वहां जरूरत क्या है कि वहां पर जो है हमें टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी लोगों पे, जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सारा चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। इसी के थ्रू जो है हम बिना पैनिक क्रिएट किए, बिना चीजों को पूरी तरीके से बंद किए हुए कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी ये बात कह रही है कि जो है हम किसी भी तरीके से जो है कोविड को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि नहीं अब बस इतना ही, अब नहीं बढ़ोगे, ऐसा संभव नहीं है।
लोगों को काम करने से भी नहीं रोक सकते हैं, लोगों को उनके घर जाने से भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर रोकेंगे तो वो जाएंगे चोरी छिपे, तब संक्रमण फैलने का डर ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों जो डोमेस्टिक ट्रेवल है उसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिया है कि वो चालू रखें। दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल एग्जाम ट्रिक्स के स्मार्ट कोर्सेज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं उसको बेहद ही सस्ती कीमतों पर। आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो है हमने कोर्सेज की जो कीमत है बहुत ही कम रखी है, और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स बाय द टॉपर एंड देयर स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो हमारे जो टॉपर्स की टीम है, जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, और उनके नोट्स मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है टाइम टाइम पे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस किस एग्जाम के लिए किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है बेहद ही उचित कीमत पर। अब वहाँ पर आप जान सकते हैं कि आपका जो है तैयारी का स्तर क्या है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।